मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग आज आपको बताऊंगी कि पीसीओडी क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसको आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पीसीओडी ये समटाइम जेनेटिक होता है, मदर को है, सिस्टर को है, मासी को है, तो ये आपको होगा। दूसरा ये कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंट्री, आप मतलब बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, आपका ऑफिस जाते हैं तो आप मेट्रो यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं और आप जो है स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, आप लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं, सुबह सोते हैं, रात में आप 2 बजे तक सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, सुबह 5-8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो ये जो कारण है ये भी पीसीओडी का है। तीसरा ये है कि आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमो है, ये आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा है, तो ये एक कारण है कि जिस वजह से पीसीओडी होता है। और एक और कारण है स्ट्रेस, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जो एक कारण होता है पीसीओडी होने का। अब क्या है इसके लक्षण क्या हैं? पीसीओडी में इरेगुलर मेंसेस होते हैं, पेशेंट का को मेंसेस इरेगुलरिटी हो जाती है, पेशेंट जो है उसको डिले मेंसेस आने लगता है, जैसे कि 1 महीने बाद आएगा, 1.5 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद उसको मेंसेस आएगा, आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, विदाउट मेडिकेशन ठीक नहीं होगा। तीसरा ये है कि उसके फेस पे पिंपल्स आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आएंगे, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, मूछें आने लगेंगी, दाढ़ी आने लगेगी। चौथा है उसको हेयर फॉल होने लगेगा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगा, मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, आगे से बाल गिरने लगते हैं, ओबेसिटी हो जाएगी, बहुत मोटी होने लगेगी पेशेंट। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशन में ये है कि उसको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी, वो अगर प्रेग्नेंट होना चाहेगी तो प्रेगनेंसी में से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पीसीओडी में एनोवुलेशन होता है, अंडा बनता नहीं है, या अगर बन रहा है तो वो फूटता नहीं है, इसलिए पीसीओडी के पेशेंट में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उसको आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरटेंशन रहता है, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसको आप घर से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज है आपको सबसे पहले वो ठीक करनी है, कि आप रात में अगर देर तक जाग रहे हैं तो आप 10 या 11 बजे सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे तक, 5 बजे आपको उठना है, कोशिश करें कि आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम से कम आने दें, जैसे कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको हाउस होल्ड वर्क खुद से करने हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ना 1 घंटे या 2 घंटे के बाद 15 मिनट का वॉक ले लें, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बेटर है कि आप वॉक करते हुए फ़ोन पर बात करें। तीसरा ये है कि आप लिफ्ट को यूज़ ना करें, आप कोशिश करें कि आप एस्टर केस को यूज़ करें, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो कफ एक्युमुलेट हो रहा है, जो पीसीओडी को कर रहा है, वो नहीं होगा। चौथा है कि आपको फास्ट फूड पूरी तरह से बंद करना है, 2 महीने या 3 महीने में एक बार आप कोई भी एक फास्ट फूड खा सकते हैं, लेकिन उसको आपको रूटीन में नहीं लेके आना है। चौथा है कि आपको अपने डाइट में जौ है, बाजरा है, ये आटे में मिक्स करना है, वो उससे रोटी खानी है आपको। पाँचवा है कि आप को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, दूध नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, तो ये जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, ब्रिस्क वॉक करनी है, बहुत फास्ट फास्ट वॉकिंग करनी है, वर्कआउट करना है, आप चाहें तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका कफ का जो एक्युमुलेशन हो रहा है वो नहीं होगा। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, और आपको रात में सोना जल्दी है, सुबह उठना जल्दी है।